जो कि काफी संख्या में लोग इस संपर्क में शामिल है। नंबर 16 के पास जी, ये वार्ड नंबर, सबसे पहले कहेंगे कि वार्ड नंबर 14 के जितने भी जनता है सभी को मेरा नमस्कार। और बहुत ही अच्छा लग रहा है अपने ही गांव में घूमना, क्योंकि हम कभी शादी करके आए तो कभी यहाँ पे घूमे नहीं है, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और सब लोग मेरे साथ हैं लोग, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं, बड़े हैं सभी लोग अभी, क्योंकि यहाँ का तो आप चंदवा खुद हैं, यहाँ स्थानीय बगल में ही पड़ता है, तो जो यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रहा है सभी तो, चाची लोग हैं और भाई लोग हैं, छोटे भाई बड़े भाई सब लोग हैं। अच्छा, आपके पीछे वो शत्रुघ्न खड़ा है, क्या राम लक्ष्मण तो वही है, तो शत्रुघ्न है, बताइए। चुनाव जीत कराने पर हम लोगों की प्राथमिकता रहेगी गाँव के लिए, और पहले शक्ति निहित था वार्ड कमिश्नर के अंतर्गत। अभी देखिए यहाँ पे जो जगजीवन राम का आवास है वहाँ पे एक सेंटर चलता था, स्वास्थ्य उपकेंद्र जी, और मुझे लगता है कि हमारे उम्र के जितने भी लड़के हैं उनका प्रसव यहीं पे हुआ है। लेकिन इसके बंद हो जाने से यहाँ पे दो बड़ी बड़ी दलित बस्तियाँ हैं, और इनके बंद हो जाने से माता और बच्चे पे बहुत सारा मतलब मृत्यु दर बढ़ गया है। और यहाँ पे जगजीवन राम ने ये गांव की बेटियों के लिए कॉलेज का स्थापना किया था जी, और कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं आ रहा सर में जिसका दो गेट नहीं है जी, लेकिन इसको बंद कर दिया गया। शहर की लड़कियां आती हैं और कॉलेज में प्रवेश करती हैं, हमारे गांव की लड़कियां कॉलेज का परिक्रमा करके जाती हैं वहां पे। इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी कि कॉलेज प्रशासन से बातचीत करके हम लोग अपने गाँव की बहन बेटियों के लिए पीछे से गेट खुलवाएंगे। जब तक हम लोग खेलते थे वहाँ पे तब तक ग्राउंड अच्छा था और सारा ग्राउंड ओपन है सभी कॉलेज का, लेकिन यहाँ पे ऐसा व्यवस्था बना दिया गया है जैसे कि ये भारत सरकार का ट्रेजरी हो, यहीं पे सारा पैसा रखा जा रहा है, सारे तरफ से सील कर दिया गया है। कॉलेज का ग्राउंड जाकर देखिएगा तो इतना गड्ढा हुआ है और पानी लगा रहता है। तो क्या लगता है कि रूबी कुमारी को जो जीत के आएंगे? हाँ, इस बार हम लोग जीत कर आएंगे तो सबसे ज्यादा मतलब अपने क्षेत्र के विकास पर, अपने क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। और ये चंदवा एक ऐसा जगह है जहाँ पे दलित बस्तियों में ये जो शहरी विकास ये आवास योजना का भी लाभ नहीं है, तो इन सब चीज़ों पे हम लोग स्ट्रगल करेंगे। और सारे गांव के भाई और ये हमारी कुछ चाची है, कुछ और लोग रहने वाले पे ही बताइए, चलमा कहीं रहने चले, आज मुलाकात हो गया। अब क्या लगता है कि जो प्रचार प्रसार हो रहा है रूबी जी का? बहुत बढ़िया हो रहा है। और क्या लगता है कि इस बार आपके जो चलमा गांव में जो समस्या भी इन्होंने बताया जी, किस तरीके की समस्याएं हैं? तो हम लोग का बहुत आशा है कि अंत पूरा होगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा, अंत बहुत अच्छे से होगा अंत। यानी जो भी समस्याएं हैं वो जीतने मतलब आखिर किसे भी बहुत हम लोग काम किए हैं, लोग कई उम्मीदवार यहाँ पर आ रहे हैं, आपके चंदवा से ही कई लोग खड़े हैं, इधर समझ रहे हैं, तो किसे आप अपना सही उम्मीदवार मानते हैं? इन्हीं को अंत देंगे, राजा तिवारी को। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ? आशीष कुमार। चलिए, तो अपना मेयर चाहते हैं राजा तिवारी जैसा। आखिर क्यों राजा तिवारी जैसा भाई? बहुत काम किए हैं, बहुत गरीबी के सहयोग करते हैं, मतलब गरीबों का मदद करते हैं, मदद करते हैं, मदद किए आप लोग? मदद किए हैं। कहाँ के रहने वाले? चंदवा का। क्या नाम हुआ? प्रभु कुमार। चलिए, देख सकते हैं कि और ये जो लोग हैं तो श्रीमान आप तो हैप्पी बर्थडे, तो ये कौन सा जगह मुझे चलवा के जो निवर्तमान मेयर प्रत्याशी हैं रवि कुमारी, चलवा जो महादलित बस्ती है वहाँ के लोगों से संपर्क कर रही है, आप देख सकते हैं। कहीं हमारे तो ये बढ़े के लड़का लोग कुछ के ना विकास मिले तो बहुत अच्छा रहे, गरीब अमदी बानी ये घर द्वार के प्रॉब्लम बा। का लगता है कि रूबी कुमारी करी है विकास? अब
अब तो कहल बा कि हम ना कहब प्रभु कही हन, हम तो रउआ साथे बानी, जब जो तब तैयार बानी, मतलब रउआ साथे बानी, हां हां सब पर तैयार बानी। का नाम पड़ी चाची राउर? हमार गुमान जी देव पड़ी। कहां घर पड़े? ये जाना ठीक। रूबी कुमारी जिंदाबाद, 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 रूबी कुमारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अपने गांव चतरा में चल रहा है। माताओं से बहनों से हाथ जोड़कर अपील किया जा रहा है, प्रवेश किया यहाँ के सभी माताओं बहनों से हाथ जोड़कर अपील किया जा रहा है कि आरा से रेल इंजन सर देखा जाता है कि इनका शिक्षा का माहौल होता है और इनके महिलाएं काफी ज्यादा तकलीफ में होती हैं और आप जानते भी हैं इन लोगों की समस्याओं को। इन लोग को सबसे ज्यादा समस्या है आवास का जी, इन लोग का आवास बनाएंगे और एक मंदिर भी बोला है लोग जी में, तो वो भी करवाएंगे। हम तो पहले भी बोले हैं कि सारे मंदिरों का निर्माण, यानी जीत जाती है तो ये सब चीजें पूरा करेंगे, एकदम करेंगे। देखिए सारे महादेव बस्ती के लोग हैं, चाची काम करो, काम विश्वास कहाँ घर पड़ी? ये घर पड़े। अच्छा चनमा, यही घर है इन लोग का? अच्छा यही घर है, तो देख सकते हैं ये लोग घुमा, ये जो है महादलित।